न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नवनीत राणा जैसे लोग प्यादा होते हैं और हनुमान चालीसा के पीछे डी गैंग और दंगे भड़काने की मंशा है, तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के क्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भोगी बता डाला। वहीं सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने अमरावती में अपने माता पिता की जेल से जल्द से जल्द रिहाई के लिए अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी बीच भीमा कोरेगांव जांच आयोग ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बयान दर्ज करने के लिए 5 और 6 मई को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। तो उधर गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान को 2017 में उनके खिलाफ दर्ज हुए एक मामले में बड़ी राहत दे दी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर शुरू हुआ विवाद और गहराता जा रहा है। शिवसेना की ओर से सांसद संजय राउत नवनीत राणा पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवनीत राणा जैसे लोग प्यादा होते हैं और हनुमान चालीसा के पीछे ही डी गैंग और दंगे भड़काने की मंशा है। 1992 में बाबरी गिराने के बाद मुंबई में जो माहौल हुआ था उसके पीछे डी गैंग था। अभी जो हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चल रहा है उसके पीछे माहौल बिगाड़ना ही मकसद है। हनुमान चालीसा घर में भी पढ़ी जा सकती है, राम भक्त वो अभी बनी है, उनको किसी ने रोका नहीं है। मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या मतलब है? संजय राउत ने यह भी कहा कि अमरावती वाली वो सांसद निर्दलीय है, वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चुनकर आई थी, अब जय श्री राम का नारा दे रही है। शरद पवार ने उनका प्रचार किया था, एक समय उन्होंने श्री राम का विरोध किया था। संजय राउत ने कहा कि महिला सांसद का आरोप गलत है, मैं मुंबई में मौजूद नहीं था। वो संजय राउत और मुख्यमंत्री का नाम ले रही है, उनके पति और उन्होंने धमकी दी है कि मैं मातोश्री में घुसूंगी। जिस भाषा का इस्तेमाल एक महिला सांसद ने मुख्यमंत्री के बारे में किया है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि धमकी किसने दी है। उद्धव ठाकरे नवनीत राणा से डरे नहीं है, वो एक प्यादा है, उनके पीछे कुछ और लोग है। राउत ने कहा कि मोहित कम्बोज के आरोप झूठे हैं, मैंने तो लेन देन का खुलासा किया, नवनीत ने लकड़ावाला से लोन लिया था, मैंने तो जांच की बात की थी, तो डरूंगा क्यों। लाउडस्पीकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद को छेड़ने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दिया है। जैसे जैसे दिन करीब आता जा रहा है लोगों की धड़कनें तेज हो जा रही हैं, क्योंकि 3 मई को ईद और अक्षय तृतीया दोनों है। इसी बीच राज ठाकरे ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसा है और उन्हें भोगी बता डाला। राज ठाकरे ने ट्वीट करके मराठी और अंग्रेजी में लिखा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने ही की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद ये विवाद महाराष्ट्र से यूपी तक जा पहुंचा। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देते हुए कहा कि यदि कहीं लाउडस्पीकर बज भी रहा हो तो उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यूपी में अब तक करीब 11,000 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने अमरावती में अपने माता पिता की जेल से जल्द ही रिहाई के लिए अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से दोनों को जल्द से जल्द रिहा करने की अपील की है। नवनीत राणा और रवि राणा की बेटी आरोही राणा ने कहा कि मेरी मम्मी और पापा को जल्द ही छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की चुनौती दी थी। इसके बाद दोनों पर ही महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने वाली बयानबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल जेल में बंद है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को फिल्म फाइनेंसर एवं बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज मिला था। राउत ने इसी मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की। लकड़ावाला को धनशोधन के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसकी पिछले वर्ष सितंबर में यहां आर्थर रोड जेल में मौत हो गई थी। राउत ने संदेह जताया कि हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर उठे राजनीतिक विवाद का कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नवनीत राणा को बचाने की कोशिश कर रही है। राउत ने कहा कि यूसुफ का अवैध धन राणा के खाते में है, ईडी राणा को चाय कब पिलाएगी, डी गैंग को क्यों बचाया जा रहा है, भाजपा चुप क्यों है।
भीमा कोरेगांव जांच आयोग ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई हिंसा के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए 5 और 6 मई को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। पैनल के वकील आशीष सतपुते ने इस बात की जानकारी दी। पैनल ने इससे पहले 2020 में पवार को तलब किया था, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण इसके सामने पेश नहीं हो सके। बाद में पवार को इस साल 23 और 24 फरवरी को आयोग के सामने पेश होने के लिए एक और समन जारी किया गया था, लेकिन वरिष्ठ राजनेता ने ये कहते हुए नई तारीख मांगी थी कि वो अपनी गवाही दर्ज करने से पहले एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। बता दें कि फरवरी 2020 में सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें 2018 की जागतिक हिंसा के बारे में मीडिया में उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों के मद्देनजर पवार को तलब करने की मांग की गई थी। 2 सदस्यीय जांच आयोग में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक शामिल हैं। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा की 1818 की लड़ाई की द्विशताब्दी वर्षगांठ के दौरान पुणे के जिले में युद्ध स्मारक के पास जाति समूह के बीच हिंसा हुई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और 10 पुलिस कर्मियों के सहित कई अन्य घायल हो गए थे। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों से कोरेगांव भीमा के पास हिंसा हुई। पुलिस ने दावा किया कि एल्गार परिषद सम्मेलन के आयोजकों के माओवादियों से संबंध थे। गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान को 2017 में उनके खिलाफ दर्ज हुए एक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ये मामला 2017 में फिल्म रेस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ से जुड़ा है। दरअसल 2017 में शाहरुख खान जनवरी में मुंबई से दिल्ली जाने वाली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में रईस के प्रमोशन के लिए वडोदरा पहुंचे थे। उसी दौरान जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो एक्टर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी बीच वहां भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा था और इसी में एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक युवक के परिजनों ने शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसे लेकर निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 204 के तहत शाहरुख को समन जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। शाहरुख ने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज करवाई, जिस पर इस साल फरवरी में भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान शाहरुख के वकील ने कहा कि एक्टर के खिलाफ कोई अपराध का केस नहीं बनता, क्योंकि जिस युवक की मौत हुई थी वो हार्ट का मरीज था और उसी वजह से उसकी मौत हुई। पूरे मामले को सुनने के बाद जस्टिस निखिल करेल ने शाहरुख के खिलाफ आपराधिक मामले में और वडोदरा के एक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं लालू यादव के बेटे तेज प्रताप मां रबड़ी देवी के आवास पहुंचे और घोषणा की कि वो अब राज्य सरकार की ओर से आवंटित बंगले में नहीं रहेंगे। इसी बीच कोयले की निर्बाध और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर का मसला गर्मा गया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम पहुंचे। उन्होंने कार्बी ऑगलोंग जिले के दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी। मंच पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाते नजर आए। मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रशक्ति की प्रेरणा है। कार्बी ओगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं नमन करता हूँ। पहले यहाँ बम और गोलियों की आवाज सुनी जाती थी और आज यहाँ तालियां बज रही है, जयकारा गूंज रहा है। पीएम ने कहा कि असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार युवाओं को नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। असम में 2600 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। यह जन भागीदारी से किया जा रहा है। 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। आपने मुझे समझा है और दिल से समझाया भी है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम भी जुटे हैं और आप भी जुटे हैं, मिलकर पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से भद्दा प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए, यह स्वीकार्य नहीं है।
रामनवमी पर जिस प्रकार शांति और सौहार्द का माहौल रहा, वह नए यूपी की पहचान बन रहा है। कुछ अराजक तत्वों ने हनुमान जयंती पर कुछ गड़बड़ी की कोशिश की थी, उन्हें उसका जवाब दे दिया गया है। अब 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद एक साथ है, ऐसे में सतर्कता रखे। योगी ने कहा कि थानाध्यक्ष का चयन करते समय पुलिसकर्मी की दक्षता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा की परख करे, दागी व्यक्ति को थाना की जिम्मेदारी कतई न दे। इसी प्रकार सर्किल में भी कार्यवाही की जाए, हर महीने थाने के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस एक्टिव रहकर सूची के अनुसार एक्शन लेगी तो यह सूची हर माह बदल जाएगी और एक समय बाद कोई टॉप 10 माफिया ही नहीं रहेगा। अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन को और मजबूत करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि सभी दफ्तर समय से खुले, अधिकारी कर्मचारी समय से आए, कैंप कार्यालय में बैठने का ढर्रा बंद करे, दलालों को सरकारी कार्यालयों से दूर रखे। योगी ने कहा है कि जिले के शहीद स्मारकों, स्वाधीनता संग्राम से जुड़े स्थलों, प्रमुख धर्म व पर्यटन स्थलों पर हर दिन आधा घंटा पुलिस या पीएसी बैंड के जरिए राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनें बजाई जाए। हर जिले और हर महानगर में 75-75 अमृत सरोवर तैयार किए जाए। यहाँ गाँव के किसी बुजुर्ग प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा राष्ट्रध्वज भी फहराया जाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के नाटकीय कदमों से परिवार में पैदा हुई उथल पुथल खत्म होती नहीं दिख रही है। आरजेडी सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप मंगलवार की शाम अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और वही रात बिताई और घोषणा की कि अब वह राज्य सरकार की ओर से आवंटित बंगले में नहीं रहेंगे। तेज प्रताप लंबे समय से अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से अलग विधायक के तौर पर आवंटित अपने सरकारी बंगले में रह रहे थे। इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि वह अपना इस्तीफा जल्द ही अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को सौंप देंगे। हालांकि उनके माँ के आवास में फिर से लौट आने को, यानी इस पुनर्मिलन को परिवार के लिए खुशी से ज्यादा आशंकाओं भरा माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव काफी समय से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी के करीबी संजय यादव, जगदानंद सिंह और सुनील सिंह उनके खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। कई बार उन्होंने मीडिया में सबके सामने इस बात को दोहराया है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रहकर अपने खिलाफ कथित तौर पर साजिश कर रहे इन नेताओं पर नजर रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी परिवार में घमासान कम होने के बजाय बढ़ने के ही आसार है। उधर तेजस्वी के लिए भी 10 सर्कुलर में परेशानियां खड़ी ही होंगी। देखना होगा कि लालू यादव का परिवार इस परेशानी से बचने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। इस भीषण गर्मी में देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराया गया है। इसका मुख्य कारण कोयले की अनुपलब्धता बताई जा रही है। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता जरूरत के अनुपात से काफी कम है। इस वजह से बिजली की किल्लत हो रही है। कोयले की निर्बाध और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेल प्रशासन ने बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कोयले वाली मालगाड़ी चलाने की योजना बनाई है। गुरुवार से मुरादाबाद मंडल में चलने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। कम समय में तापीय विद्युत गृह में कोयला पहुंचाने के लिए मालगाड़ी को नॉनस्टॉप चलाने की योजना है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत बढ़ गई है। तापीय विद्युत गृह में बिजली उत्पादन कम होने से बिजली संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया है। बिजली उत्पादन कम होने में कोयले की कमी मानी जा रही है। रेल मंत्रालय से तीव्र गति से कोयला तापीय विद्युत गृह तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने बुधवार शाम को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ ट्रेनों का संचालन बंद करने से अधिक कोयले वाली मालगाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। कोयले वाली मालगाड़ी को बीच रास्ते में न रोके, नॉनस्टॉप चलाने की व्यवस्था करें। पंजाब के तापीय विद्युत गृह के लिए देश के विभिन्न स्थानों से कोयले की मालगाड़ी को मुरादाबाद रेल मंडल होकर चलाया जाता है। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद में चलने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ने पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर का मसला गरमा गया है। मंदिर के कारण स्टेशन विस्तार का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में रेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि या तो मंदिर के अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाया जाए या फिर स्टेशन को ही बंद कर दिया जाए। मामला राजा मंडी रेलवे स्टेशन का है। वहीं सिटी स्टेशन स्थित नूरी मस्जिद के अतिक्रमण के मामले में भी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बने चामुंडा देवी मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रेलवे का कहना है कि यहां प्लेटफॉर्म 1 पर 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण है। चामुंडा देवी मंदिर 1716 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें 600 वर्ग मीटर में मंदिर का भवन है। रेलवे प्रशासन के अनुसार 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण प्लेटफॉर्म 1 पर हुआ है। यह रेलवे के शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का उल्लंघन है। यदि अवैध निर्माण नहीं हटा
तो रेलवे को राजामंडी स्टेशन यात्रियों के लिए बंद करने का बाध्य होना पड़ेगा। राजामंडी रेलवे स्टेशन पर रोज 23 ट्रेनों का ठहराव होता है। इसमें से 12 ट्रेन दिल्ली की ओर से आती है, जबकि 11 ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती है। आगरा कैंट नई दिल्ली, दिल्ली इंटरसिटी, पंजाब मेल, झेलम, इंदौर अमृतसर इंटरसिटी प्रमुख ट्रेन है। इस स्टेशन पर दिल्ली के लिए रोज 3000 से अधिक दैनिक यात्री सफर करते हैं। स्टेशन पर प्रतिदिन 5000 यात्रियों की आवाजाही होती है। आगरा कैंट के बाद राजामंडी आगरा का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। क्वाड सम्मेलन की घोषणा कर दी गई है और ये बैठक टोक्यो में होगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सावधान किया है कि बेल्जियम में बना एक विशेष प्रकार का चॉकलेट बेहद ही खतरनाक है और ये कई प्रकार के रोग पैदा कर सकता है। ये 113 देशों में भेजा जा चुका है। हालांकि उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, तो ब्रिटेन भी चीन के चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। इसी बीच विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भारत और पाकिस्तान फिलहाल हीट वेव की चपेट में है और इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। उधर जलवायु परिवर्तन से इंसान को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण कोरिया 2023 तक दुनिया का सबसे पहला तैरने वाला टिकाऊ शहर बनाने जा रहा है। दुनिया भर की इन खास बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही क्वाड सम्मेलन की घोषणा भी कर दी गई है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टोक्यो में क्वाड ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिकी नेता भाग लेंगे। क्वाड बैठक के बारे में अभी विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस यात्रा को लेकर कहा है कि जो बाइडेन सरकार की यह यात्रा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के ठोस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी क्वाड बैठक से इतर द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान में होने जा रहे क्वाड बैठक में अफगानिस्तान, रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन आदि पर विस्तार से बातचीत संभव है। इसके साथ ही आर्थिक संबंध बढ़ाने, सुरक्षा संबंधों को गहरा करने और सहयोग को विस्तार देने पर भी बातचीत हो सकती है। आखिरी बार क्वाड नेता सितंबर 2021 में वॉशिंगटन में मिले थे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले थे। बैठक में कोविड, टेक्नोलॉजी, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत हुई थी। चारों देश आतंकवाद का मुकाबला करने और मानवीय सहायता के सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए थे। चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बेल्जियम में बनने वाला एक विशेष प्रकार का चॉकलेट बेहद खतरनाक है और यह कई प्रकार के रोग पैदा कर सकता है। संगठन ने बकायदा चेतावनी जारी करते हुए दुनिया के कई देशों में इससे हुए प्रभाव की पुष्टि भी की है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बेल्जियम में बनने वाले एक चॉकलेट में सेल्मोनेला नामक पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ काफ़ी खतरनाक है। इसके करीब 150 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि मुख्य रूप से 11 यूरोपीय देशों में हुए हैं। सेल्मोनेला टाइफ्यूमियम एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस पैदा करने वाला रोगजनक बैक्टीरिया है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में ब्रिटेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तेजी से फैलने के बारे में बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेल्जियम में बनी इस चॉकलेट की सप्लाई 113 देशों में हुई है, लेकिन जैसे ही संक्रमण के मामले सामने आए, इस चॉकलेट को दुनिया भर में बिक्री से हटा लिया गया है। रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि संक्रमण के मामलों में अधिकतर 10 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित हुए हैं और कुल मामलों में बच्चों की संख्या करीब 90% है। इससे पहले इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क ने 10 अप्रैल को ग्लोबल प्रोडक्ट रिकॉल की शुरुआत करते हुए एक ग्लोबल अलर्ट जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अभी तक 11 देशों से करीब 150 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें संदिग्ध चॉकलेट उत्पादों की खपत हो चुकी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन भी चीन के चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिटेन अपने परमाणु ढांचे को लेकर चीन पर इतना ज्यादा निर्भर है कि अब उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम को नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए बीजिंग पर अपनी बढ़ती निर्भरता का एहसास हुआ है। एक रणनीतिक विश्लेषक ने कहा कि यूके सरकार कथित तौर पर सफोक तट पर लग रहे एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण के लिए 20 बिलियन पाउंड की परियोजना से चीन को हटाने के उद्देश्य से एक डील पर काम कर रही है। ब्रिटेन की साइजवेल सी पावर स्टेशन परियोजना अभी प्लानिंग और डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इसका स्वामित्व फ्रांस की सरकार समर्थित बिजली कंपनी ईडीएफ के पास है, जिसकी इसमें 80% हिस्सेदारी है और बाकी शेष 20% हिस्सेदारी चीन जनरल न्यूक्लियर के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके सरकार अब ईडीएफ के साथ परियोजना में हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है,
जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना से चीनी कंपनी CGN को हटा दिया जाएगा। UK में मौजूदा परमाणु सुविधाओं का स्वामित्व ब्रिटिश ऊर्जा कंपनियों के पास है, लेकिन इन कंपनियों को अपने कई संयंत्र समय से पहले बंद करने पड़े हैं तथा चारों ओर चार स्टेशन मार्च 2024 तक बंद होने वाले हैं। नतीजतन हाल के वर्षों में और अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए जोर दिया गया है। यही कारण है कि ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने के लिए चीन के लिए अत्यावश्यकता काफी अनुकूल साबित हुई है। भारत और पाकिस्तान में जानलेवा गर्म हवा की लहर यानी हीटवेव तैयार हो रही है। इस इलाके में दुनिया का हर 5 में से एक व्यक्ति गुजर बसर करता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के एक ताजा विश्लेषण के मुताबिक हीटवेव का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। पाकिस्तान के जैकबाबाद में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है। धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक माने जाने वाले इस शहर में गर्मी सर्वकालिक उच्चतम स्तर के नजदीक पहुंच रही है। भारत की राजधानी दिल्ली भी 44 से 45 डिग्री सेल्सियस की तपिश से बेहाल है और यह अब तक के सबसे गर्म अप्रैल के आसपास है। वही भारत के उत्तरी इलाकों के कुछ हिस्सों में पारा 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीटवेव से जुड़ी चेतावनियां जारी की जा रही है। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि साल के शुरुआती महीनों में ही इतनी प्रचंड गर्मी खतरनाक है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रंथम इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर मरियम ने कहा कि भारत में हाल के महीनों में तापमान में हुई बढ़ोतरी का बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वैश्विक तापमान में वृद्धि में इंसान की गतिविधियों की भूमिका बढ़ने से पहले हम भारत में 50 वर्ष में कहीं एक बार ऐसी गर्मी महसूस करते थे, जैसे कि इस महीने के शुरू से ही पड़ रही है, लेकिन अब यह एक सामान्य सी बात हो गई है। अब हम 4 साल में एक बार ऐसी भयंकर तपिश की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में मौजूदा हीटवेव जलवायु परिवर्तन की वजह से और भी गर्म हो गई है। ऐसा इंसान की नुकसानदेह गतिविधियों की वजह से हुआ है। इनमें कोयला तथा अन्य जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना भी शामिल है। जब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद नहीं होगा, तब तक भारत तथा अन्य स्थानों पर हीटवेव और भी ज्यादा गर्म तथा अधिक खतरनाक होती जाएगी। साल 1995 में हॉलीवुड में वाटर वर्ल्ड नाम की फिल्म बनी थी। इसमें यह कल्पना की गई थी कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ से पिघल जाएगी और पानी पानी हो जाएगा, जिसके बाद इंसान समुद्र की पानी पर तैरने वाले शहर बनाकर रह रहे होंगे। ये भले ही एक फिल्म की कहानी रही हो, लेकिन साउथ कोरिया की इस कहानी को सच में बदलने वाला है। साउथ कोरिया 2023 तक दुनिया का सबसे पहला तैरने वाला एक टिकाऊ शहर बनाना चाहता है। इस परियोजना का एक प्रोटोटाइप 26 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि यह शहर बुसान के तट पर होगा, जो अपने समुद्री तटों पहाड़ों के लिए मशहूर है। बुसान के मेयर पार्क हेउंग जून ने कहा कि मैं द फर्स्ट टू द फ्यूचर के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेता हूँ। समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय शहरों पर होने वाले विनाशकारी प्रभाव से हमारा भविष्य दांव पर है। फ्लोटिंग सिटी जलवायु परिवर्तन से होने वाले उतार चढ़ाव वाले वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम होगा। ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक मैमुना मोहम्मद शरीफ ने कहा कि बैठक दर बैठक से बड़े रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 3 साल पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी तो सभी ये जानना चाहते थे कि वह कब इस शहर में जा सकते हैं। हमारे पास अब इसका जवाब है। यह शहर बेहतरीन वास्तुकला से बना होगा और पूरा शहर प्लेटफॉर्म पर बसा होगा तथा ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसके साथ ही जमीन से वह पुल के जरिए कनेक्ट होगा। इसमें जीरो वेस्टेज होगा और वहीं पर सभी चीजों को उगाया जाएगा। शुरुआत में शहर में 12,000 लोग रह सकेंगे, बाद में हम इसे 1,00,000 तक बढ़ाएंगे। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB न्यूज़। नमस्कार।